हेलो फ्रेंड, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल टी आर बहादुरपुर। दोस्तों, आज आपके सामने जो नज़र आ रहा है 2020 हैप्पी न्यू ईयर, यही डिज़ाइन बनाना सीखेंगे हम कोरल ड्रा एक्स 3 के अंदर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको हम पहले साइड में कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको ऊपर यहाँ पे कर देते हैं। और आपका ये जो बॉक्स है आप देख सकते हैं, ये आप किसी भी साइज में ले सकते हैं जिस साइज में आपको ये डिज़ाइन तैयार करना है। मेरा जो ये बॉक्स है ये 3.5x2 इंच का है। तो सबसे पहले तो आप टाइप कर लीजिए जो आपको लिखना है, या आप बाद में भी टाइप कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मैटर तो है नहीं। हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं 2020 एरियल ब्लैक कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, यहाँ पे रख देते हैं। और इस बॉक्स के साइज का यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा बॉक्स बन गया। इसको कोई भी कलर हम दे देते हैं, ये हमारा कलर हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो 2020 हमने लिखा है इसका जो डिज़ाइन हमने दिया है ये है, और बाकी ये जो ऊपर की लाइन आप देख रहे हैं ये ग्लो कर रहा है, ये मेन है। इसको अभी यहाँ से फिर रेक्टेंगल टूल पे आएंगे और यहाँ से एक और बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स हमारा बन गया, इसकी आउटलाइन हम वाइट कर देते हैं और यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं हम 4 पॉइंट। ये हमारा 4 पॉइंट हो गया। अब फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे और इसको यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे इतना। ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है कि इसी का एक कॉपी ले लेना है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे रख दूंगा तो बिल्कुल वाइट है, दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा। इस पर क्लिक करेंगे और बीट मैप में आएंगे, कन्वर्ट टू बीट मैप, इसको RGB कलर करेंगे और ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे टिक होना चाहिए, ओके कर देंगे। ये हमारा बीट मैप हो गया। फिर हम बीट मैप पे आते हैं और यहाँ पे आ जाएंगे ब्लर, नीचे है गॉसियन ब्लर, इस पर क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से आपको जितनी ज़रूरत होगी यहाँ पे देख लेंगे, प्रीव्यू करेंगे यहाँ पे, ये देख सकते हैं इतना हो गया। हम थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, ये है सही है, इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। और इस वाले को इसका आउटलाइन हम यहाँ पे पहले लाते हैं, इसको 4 नहीं, अब इसको हम 2 पॉइंट कर लेते हैं। ये हमारा 2 पॉइंट हो गया, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसका आउटलाइन आप जिस कलर का चाहे कर सकते हैं, जैसे हम इस कलर का कर दें, लेकिन वाइट ही ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये इसमें जो हमने दिया है, पीछे जो हमने सफ़ेद रखा था इसमें हमने देखिए सियान कलर किया था और इसमें हमने वाइट ही कर दिया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप वाइट की जगह पे सियान कलर करके उसको बीट मैप करके और फिर ब्लर कर देंगे तो वो इस तरीके का हो जाएगा। आप करके ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो हमारा 2020 है, कंट्रोल के करके इसको हम अलग कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ से इतना बड़ा वाइट फिल कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा वाइट फिल हो गया। यहीं पे आ जाएंगे और इस वाले टूल पे स्ट्रोक टूल, इस पर क्लिक करके यहाँ से यहाँ यहाँ तक खींच लेंगे और इस वाले हिस्से को भी हम यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ऊपर आएंगे यहाँ पे और ये जो 2 नंबर है फिर 3 नंबर, इस पर क्लिक करेंगे और अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हमने नीला बैकग्राउंड लिया है तो फ्रॉम जो है हमारा ब्लैक से हो रहा है ना, नहीं स्टार्ट हमारा तो वाइट हो रहा है तो इसको हम ब्लैक करेंगे यहाँ पे और नीचे वाले को नीला कर देंगे, नीला नहीं दिख रहा है ऐसा, ये कलर, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक और बॉक्स बनाते हैं रेक्टेंगल टूल से, ये लेंगे ताकि ये छुप जाए उसके अंदर। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल टूल। अब इसको हम कोई कलर दे देंगे, ये कलर हम दे देते हैं, बाद में फिर इसको कोई और कलर भी देंगे।
दो कलर फिल कर देंगे। इतना हमारा हो गया। अब ये जो 2020 में ये जो डिज़ाइन है, ये कोई डिज़ाइन नहीं है दोस्त, ये सिर्फ एक इमेज है जो पावर क्लिप से हमने इसके अंदर डाला है। इमेज आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला इमेज है, ठीक है। इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, क्योंकि ये X3 है, राइट क्लिक से नहीं होगा। इफेक्ट में आइए, पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड, लाके 2020 पे क्लिक कर दीजिए। हुए उस पर नहीं हुआ, दूसरे पे हो गया। कंट्रोल जेड करते हैं, क्योंकि सिलेक्ट ये वाला हो जा रहा है, देखिए आप ये वाला सिलेक्ट हो जा रहा है, ये इसीलिए उसमें पावर क्लिप से नहीं गया। तो हम सिर्फ इतने को सिलेक्ट करेंगे और इसको उठा के हम यहाँ पे लाते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप, और इसमें डाल देंगे। ये हमारा इसके अंदर चला गया। अब इसको फिर से हम यहाँ पे लाते हैं और इस पर राइट ऐसे करेंगे, राइट क्लिक और एडिट कंटेंट, पावर क्लिप वाला जो हमारा था वो। जूम कर लीजिए इसको ताकि अच्छे से ये हो जाए। ये हो गया हमारा, लेकिन सिर्फ दो ही में हुआ है, तो इसी को हम कंट्रोल के साथ इधर खींच के लाके यहाँ पे छोड़ देंगे। इधर भी हो गया, राइट क्लिक करके फिनिश। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने फिनिश किया, ये हमारा डिज़ाइन इसके अंदर आ चुका है, लेकिन इसके आउटलाइन को हमको वाइट करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से दिखे। देखिए यहाँ पे हम क्योंकि क्लिक करते हैं तो ये वाला हमारा सेलेक्ट हो जा रहा है, इसलिए हम बाहर से इसको इस तरीके से सेलेक्ट किए। अपने कीबोर्ड से F12 दबाइए और यहाँ पे इसका आउटलाइन हम 2 पॉइंट दे देते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके, इसको भी और इसको भी, इसका आउटलाइन वाइट, ओके, ठीक है। लेकिन इसको आउटलाइन हमने दिया तो ये चूंकि इसके साथ में है इसलिए पूरा हो गया। कंट्रोल जेड करिए आप और इसी को सिलेक्ट करके अरेंज में आइए, ब्रेक, ठीक है। कंट्रोल के से भी ब्रेक कर सकते हैं। अब ये हमारा ब्रेक हो गया। अब इसको आप लेके जाएंगे तो सिर्फ यही जाएगा। कंट्रोल जेड से वापस करिए, अब F12 दबाइए और इसका आउटलाइन दे दीजिए 2 पॉइंट। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से इतना तो हमारा हो गया। इसको बिल्कुल बीच में कर लेते हैं, ये हमारा हो गया। अब ये इसमें जो इफेक्ट आप देख रहे हैं, तो ये भी ये वाला ये इमेज है, इस इमेज को भी हम इसमें डालेंगे यहाँ पे लाके इस तरीके से, ठीक। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उसी की तरह तैयार हो गया। हाँ, ये जो ऊपर ये लाइन है जो थोड़ा सा चमक रहा है, ये इसमें हमने दूसरा कलर डाला था, इसमें चूँकि हमने वाइट ही कर दिया इसलिए ये ऐसा हो गया। तो आप जो पहला ब्लर करेंगे बिट मैप करके, उसको आप जिस कलर का चाहें उस कलर का कर सकते हैं। ये हमने वाइट ही कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। अब इसमें दो कलर देना है, आप जी दबाइए और यहाँ से इस तरीके से कर दीजिए, इसमें ब्लू दे दीजिए और यहाँ से अगर रेडियल चाहें तो रेडियल ले लीजिए। रेडियल ले करके इस वाले को सियान करिए और इस वाले को ब्लू कर दीजिए, ठीक, इस तरीके से ये आपका हो गया। अब हैप्पी न्यू ईयर जो लिखा है इसको आप इसके ऊपर ला के रख दीजिए। शिफ्ट पेज अप, ये अंदर चला गया इसलिए हमने शिफ्ट पेज अप किया। इसका कलर जो है वाइट कर दीजिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर दीजिए। शिफ्ट के साथ इधर से छोटा करेंगे तो दोनों साइड से ये छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हैप्पी न्यू ईयर 2020 का एक बेहतरीन डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।